एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर आई थी नहा वहा कर, और थोड़े से कपड़े थे तो मैंने हाथ से ही धो लिए थे। और धूप आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर। अब नहा वहा कर पूजा वगैरह कर लिया है मैंने, बस नाश्ता वगैरह फिर करना रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और ये व्लॉग बहुत दिनों पहले की है, शूट होकर रखी थी, बस बहुत दिनों बाद अपलोड कर पा रही हूँ बिकॉज़ ऑफ़ सम रीज़न। तो यही चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली अब इस व्लॉग को अपलोड किया जाए और बैक टू वर्क में आया जाए। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, चैनल को वैसा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि व्लॉग बनाओ और मतलब इस पे कंटिन्यू मैं व्लॉग डालूँ, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है। जो लोग वीडियो बनाते होंगे उनको ही पता होगा, जितना मेहनत शूट पे जाता है उतना ही ज़्यादा एडिटिंग पे जाता है। लेकिन वीडियो पे कोई रिस्पांस नहीं है, चैनल पे कोई रिस्पांस नहीं है, ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना व्यूज़ बढ़ते हैं, तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करके। और बाकियों के चैनल मैं देखती हूँ कि जिनके चैनल पे बस 40-50 वीडियोस हैं, उन लोगों के चैनल पे इतने धड़ाधड़ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उन लोगों के इतने धड़ाधड़ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब जिनके चैनल पे कोई वैसा कुछ ना, क्वालिटी वैसी है उनकी ना, कुछ अच्छा वो लोग दिखा रहे हैं ना, मतलब कुछ भी शूट करके डाल दे रहे हैं, मतलब तो उन लोगों के व्यूज़ वगैरह देखती हूँ। मतलब जिन लोगों ने अभी हाल में ही चालू किया है अपना चैनल, उन लोगों के ये सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा बढ़ गए और फटाफट से 1K 2K 3K चले गए, और चैनल पर टोटल वीडियो होंगे 40-50, और मेरे चैनल आप खोल कर देख लो 400 से प्लस वीडियो हैं और 400 सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे। तो बस इन चीज़ों की वजह से बिल्कुल भी मन नहीं करता है यार वीडियो वगैरह बनाने का। लेकिन ये वीडियो शूट हुई रखी थी, हाफ एडिट भी हुआ हुआ था, बस वॉइस ओवर नहीं किया था मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर दे के इसे कंप्लीट करती हूँ और इसे डाल देती हूँ, उसके बाद फिर से अपने रूटीन में आ जाऊँगी। तो यहाँ पे अभी बना रही थी लंच, लंच में मैंने अभी दाल चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और उसी में आलू भी बॉईल कर दिया है। और यहाँ पे आज बनाऊँगी तुरई की सब्ज़ी। तो बहुत दिनों बाद इस सीज़न की शायद पहली तुरई मेरी आई थी, तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। मैं ज़्यादातर जब भी बनाती हूँ तो चने की दाल को मिक्स करके ही बनाती हूँ, जैसे लौकी चने की दाल बनती है ना उसी तरीके से। तो यहाँ पे अब जब तक दाल चावल उधर बन रहे हैं, यहाँ पे तुरई को बैठकर मैं काट लूँगी। और तीन ही पीसेस थे ये बड़े बड़े से, लेकिन आपको पता ही है बनने के बाद बहुत थोड़े से हो जाते हैं। और कभी अगर चने की दाल मिक्स करके नहीं बनाती हूँ तो जो काले चने होते हैं ना उसे मिक्स करके बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और सिंपली बस प्याज और लहसुन से इसको तड़का लगा दो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो बस यही सारी चीज़ें थी, इसी वजह से मैं अपना व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आई थिंक 8-10 दिन हो गए थे, फिर भी मैंने बीच बीच में शॉर्ट्स वगैरह शेयर किया है आपसे। प्याज वो कर रही हो ना, तो पूरे आँखों में पानी आ रहा है प्याज की वजह से। देखो फिर बना रही हूँ सब्ज़ी, यहाँ पे अभी चने की दाल को मैंने भिगो के रखा था सुबह में ही, तो इसे अब डाल देते हो प्याज के साथ, ये फ्राई हो जाएगी। और जब देखो सारा प्रिपरेशन करके रखा है, इसमें लहसुन छिल के रखा है और धनिया पत्ती काट के रखी है, आलू का चोखा बन गया, उधर देखो चावल का पानी भी निकलने के लिए रख दिया है। तो ये रहा आलू का चोखा, इस दोनों पतीले में दूध है, और यहाँ पे दाल भी बन गई है, धनिया पत्ती डाल दिया दाल में, अभी तड़का नहीं लगाया है, अभी जीरे से तड़का लगाऊंगी। तो पहले इधर कर लेती हूँ, और तुरई वगैरह भी काट के रखे हुए हैं मैंने, तो चलो फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल में जीरे का तड़का दिया था और प्याज डालकर सीधा चने की दाल को डाल दिया था इसमें, और वो मैंने आधे एक घंटे सोप करके रख दिया था। यहाँ पे लहसुन को भी क्रशर में क्रश कर लिया है, उसके बाद टमाटर भी ऐड कर दूँगी। और ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ना, इसीलिए लगता है कि आपको बैक टू बैक में डाली जा रही, ऐसा कुछ नहीं है, एक दो मिनट का गैप रहता है। जैसे कि लहसुन हल्का सा भुन गए, उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाला। अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी है, और धनिया पत्ती वगैरह भी मैंने कट करके रखी है दाल के लिए, तुरई में तो नहीं जाएंगे ऑफकोर्स। और यहाँ पर जो सूखे सूखे मसाले हैं वो सब डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सारी सब्ज़ियाँ मतलब
कम मसाले में बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ पे तुरई को डाल दिया है। अब जैसा कि ये पानी बहुत रिलीज़ करता है, उसे ढककर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, वो धीरे धीरे अपनी बनती रहेगी। और इधर दूसरी साइड मैंने दाल के लिए वो बड़ी वाली चम्मच रख दिया है गैस पे, उसमें भी मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, ज़ीरा दे दिया है और थोड़ा सा हींग वगैरह डालकर तड़का दे दूँगी दाल को भी। तो इस तरीके से मेरे दोनों साइड काम भी होते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि एक ही काम में लगे रहो। तो यहाँ जी हो गया हमारा दाल भी रेडी और यहाँ आप इसे भी ढक दूँगी, अब ये अपनी बनती रहेगी। अब क्या है कि जितना भी ये थोड़ा सा मैस फैला हुआ है स्लैब पे, उसे भी हाथों हाथ क्लीन कर दूँगी ताकि किचन भी थोड़ा प्रेजेंटेबल सा लगे, बिल्कुल मैस फैला के मुझसे काम नहीं होता है। तो ये वाला सूट ना ऐसा हो जाता है कि मतलब ये स्लीव बहुत दिक्कत कर जाती है, इसलिए मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से पहले फ़ोल्ड कर लिया ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे पानी वगैरह का काम में। और एक साइड का गैस बर्नर मैं साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्ज़ी अभी इस कंडीशन तक पहुँची है और अभी कसर बहुत बाकी है। तो ये जी हमारी बनकर हो गई रेडी। अभी इसका जितना भी एक्सेस पानी है तो वो डाल दूंगी। तो दाल में मैंने डाला ना धनिया पत्ती, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसमें भी डाल ही देती हूँ, अच्छा फ्लेवर आएगा मे बी। ऐसे तो डलती नहीं है, वैसे मैंने डाल दिया अपना लंच लेकर। आप देख सकते हो यहाँ पे चावल, दाल, आलू का चोखा और तुरई की सब्ज़ी। और बहुत ज़ोरों की लग गई है भूख, बज गए हैं 3:15, 3:17 हो रहे हैं। हस्बैंड से पूछा कॉल करके कि आप आ रहे हो कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइम लग जाएगा आने में, तुम खा लो। तो बहुत भूख भी लग गई थी, मैंने बोला कि चलो खा लेती हूँ। और दाल देखो मेरी कितनी अच्छी गाढ़ी सी बनती है। गाढ़ी बनती क्या, मैं हमेशा गाढ़ा ही बनाती हूँ, मुझे पानी वाली दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सभी दाल में से सबसे ज़्यादा अच्छी दाल मुझे लगती है मूंग की दाल, और मसूर की दाल मेरी पहले फेवरेट थी लेकिन अभी उतनी खास नहीं लगती, फिर भी बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। और मसूर की दाल को सिंपली छौंक लगाती हूँ, तड़का लगाती हूँ ना, तो वही फिर अच्छी लगती है। ज़्यादा मसाले में फ्राई कर दूँगी तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। और बाकी दाल को तो फिर बिना मसाले फ्राई किए बिना मैं तड़का लगाती नहीं, चाहे चने की दाल हो, मूंग की दाल हो, कोई भी दाल हो, उसमें पूरा मसाला फ्राई करके डालती हूँ। वाली मसूर की जो दाल है ना, सिंपली बस मैंने इसमें हल्दी, नमक, टमाटर डाल के बस इसे बॉईल कर दिया था और ऊपर से धनिया पत्ती की गार्निशिंग की है। और तड़के के लिए आपने देखा ही, जीरा और हींग से बस मैंने तड़का दिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, चाहे तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हो। तो फिलहाल मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत ज़रूरत लग गई है भूख। मैंने सोचा सैलेड भी काट लेती हूँ लेकिन ना अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है किचन में रहने का। मैंने बोला छोड़ो हटाओ, अब अकेले अकेले क्या सैलेड वगैरह काटना, तो इतने में ही काम चल जाएगा। तो चलो फटाफट मैं खा लेती हूँ। विंडो देखो हवा से कैसे बंद हो रही है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे। जस्ट मैं सो के उठी हो तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सीधे ना वॉशरूम के लिए जा रही थी तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, बेसिन में देखो चिड़िया गिरी हुई है, बैठी हुई है, मतलब बच्ची है। मुझे डर लग रहा है, यहाँ से घोंसले से ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है चिड़िया ने। पहले तो चुप से बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था कहीं मर ना गई हो। देखो अभी अभी आंखें वो कर रही है, और देखो यहाँ चिच्ची भी कर दिया है, यहाँ तिनका भी गिराई हुई है। अब ये उड़ पाएगी कि नहीं पाएगी यार, पता नहीं, डर भी लग रहा है। वो फंस गई है बेचारी, लग रहा है उसे कैसे निकाल। इस साइड से करती हूँ, वही उठ नहीं पा रही है बच्चा, कैसे इसे उठाऊं यार, उनको डर भी लगता है। मम्मी ओह देखो वो ना घोंसले से ही गिरी है ऊपर से। अब इसे मैं कैसे ऊपर इसकी माँ के पास पहुँचाऊँ बताओ। उड़ जा बेटा, हो देखो कितना बड़ा हो गया है। सही, बच्चे कितने बड़े हो गए, इसीलिए चें 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 लोग का चलता रहता है दिन रात। डर भी लग रहा है मेरे को। प्लेट में करके पानी रख देती हूँ, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसके लिए ना पानी रख देती हूँ, शायद पी ले। वो डरी हुई है बहुत। ले
कैसे रखूं। जब इससे पहले जो छोटी वाली थी ना, तो वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाई थी। मैंने आपसे व्लॉग में शेयर भी किया था, वो नहीं रह पाई बेचारी। अभी देखो, अभी बहुत सारे बच्चे दे दिए हैं ना, तो अभी इतने बड़े हो गए। और जब मेरे पास आई थी ना, बिल्कुल इतनी छोटी सी न्यू बॉर्न थी वो, तो अभी कितने बड़े हो गए। तो इसके पूरे उड़ने भी लग गई है। जिसको मैं, वो छोटी सी थी तो उसे उठाने में उतना डर नहीं लगा, लेकिन ये इतनी बड़ी सी है यार। इन लोगों ने आतंक अलग मचाया हुआ है ऊपर। अभी पता नहीं और कितने हो गए थे घोंसले के अंदर। देखो तिनका दिख रहा है, अंदर ही है। देखो अंदर बहुत। अभी उसे वैसे ही छोड़ देती हूँ, अगर हस्बैंड जब तक आएंगे शायद। अगर वो तो और डरते हैं मेरे से ज़्यादा, वो क्या हटाएंगे यार। वो खुद ही उड़ के जाएगी तो जाएगी, अब क्या ही कर सकती हूँ। मेरे में तो अभी हिम्मत नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो गूज़बम्स हो रहे मेरे, बाप रे। वो जैसी फड़फड़ाई ना, वैसे जैसी तुरंत अभी उठी ही हूँ और वॉशरूम तक नहीं गई, जाने जाने में ही दिख गई। मेरे को तो पहले लगा कि कहीं मरी हुई गिरी है, क्योंकि अभी परसों नर्सों भी एक दिन मरी हुई गिर गई थी। तो कहाँ पे गिरी थी, यहाँ नीचे ज़मीन पे। तो इतनी ऊंचाई से, देखो ये जो वेंटिलेटर ने यहाँ से आर पार होती है, इतनी ऊंचाई से अगर गिरे तो शायद क्या पता चोंच में दबा कर लेके जा रही होगी मैं भी। तो उतनी ऊंचाई से गिरेगी तो बचेगी इतनी, उसका मतलब न्यू बॉर्न में तो बॉडी बहुत नाजुक रहता है। देखो मुझे बर्तन भी धोने हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले चाय बनाऊँ कि पहले बर्तन धोऊँ, वही नहीं समझ में आ रहा है। तो या फिर दिया बाती के बाद ही चाय बनाऊँगी। पहले जा रही हूँ बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, और वो तो वैसे ही दुबक के बैठी हुई है वहाँ पे यार। चलो फिर।